नाउ प्यूपल साइज, pupil size in both bright and dim illumination should be measured, and the dilated pupil size is important for the selection of the appropriate BOZD. ठीक है, उसका साइज डायलेटेड प्यूपल में भी देखेंगे, ताकि अगर हम डिम कंडीशन में हमने कंटेक्ट लेंस वेयर किया हो तो कोई ऑप्टिकल एब्रेशंस ना हो. नाउ स्पेक्टिकल रिफ्रैक्शन, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन अ प्रिसाइज स्पेक्टिकल रिफ्रैक्शन व्हेन फिटिंग आरजीपी लेंसेज. द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्शन, कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड विजुअल एक्विटी विल इंडिकेट द टाइप ऑफ लेंस विच विल मोस्ट सूट द पेशेंट. अब प्रीलिमिनरी मेजरमेंट्स हो गई, उसके बाद जो है हम ट्रायल लेंसेज देखेंगे. जो ट्रायल लेंसेज हैं उसमें फॉर लो एंड हाई माइनस द रिकमेंडेड बैकवर्ड सिलेक्शन इज -3 डायोप्टर फॉर द लो माइनस एंड -6 डायोप्टर फॉर द हाई माइनस पावर्स. दीज पावर्स अलाउ फॉर द फिटिंग ऑफ लेंस दैट इज क्लोज टू द फाइनल पावर रिक्वायर्ड, एंड एज सच द फिटिंग ऑब्जर्व विद ट्रायल लेंस विल बी सिमिलर टू दैट ऑर्डर्ड लेंस. For low and high did BVP selection is +2 diopter for the low plus and +5 diopter for the higher plus requirements. The gravitational effects on the plus design is significant and great care must be taken to ensure that the trial lens is close to the BVP required. सर आप अगर ये बताएं, ये बता दें हमें, ये जो फॉर लो एंड हाई माइनस पे इन्होंने ये रिकमेंडेड BVP सिलेक्शन है, सर ये क्या, इसका क्या मतलब है कि लो माइनस में -3 करेंगे और हाई में माइनस. हेलो, यस, आवाज आ रही मेरी? जी सर. अच्छा, ये इस तरह है कि हमारे पास जो किट्स होते हैं, अभी खैर मेरे पास तो नहीं है वो, मैंने डिस्कार्ड किया, अब तो मैं वो यूज कर रहा हूँ रोज के में ये चीज नहीं है. ये वो मैं आपको कैट्स में आपको दिखाऊंगा कि रोज के में कैसा है. ये इस तरह है कि जो भी आप लेंस उठाएं, आप पहले ये कॉन्टैक्ट लेंस की क्लिनिक में पढ़े हैं ये वाले -3 और -6 वाले, आई डोंट नो कि अब है कि नहीं, लेकिन जिस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया तो उससे पहले जो कॉन्टैक्ट लेंस में करता तो हमारे पास काफ़ी कैट्स वो अवेलेबल थे, इंडियन भी थे और बोस्टान वाली भी थी. तो उसमें ये है कि अगर फर्ज करें आपने एक पेशेंट को केराटोमेट्री से, सपोज के अंदर टोपोग्राफी नहीं है और केराटोमेट्री से आपको अंदाजा लग गया कि भाई इस पेशेंट को जो है -10 -20 -18 डायोप्टर की जरूरत है, कि स्टीप कार्निया है. ठीक है, अब आपके पास दो किस्म के किट्स पड़े होंगे. एक किट्स में ये लिखा है कि एवरी लेंस बेस कर्व चेंज होगी, समझ आ रही है? बेस कर्व आपको जो है 6.1 है, दूसरा 6.2 है, तीसरा 6.3 है, ये कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक में आप देखे उसमें पड़े हैं, तो वो बेस कर्व चेंज होगी, लेकिन पूरे किट की जो पावर होगी वो -3 होगी, समझ आ गई? Yes, अब फर्ज करें 6.8 बेस कर्व है, 6.8 बेस कर्व में आपको बोस्टन के एक किट की पूरे सारे के सारे किट की लेंसेज की पावर एक ही होगी -3, जबकि दूसरे किट की सारी की पावर एक ही होगी -6. अब अगर फर्ज करें आपने जिस किट की पावर -3 है और उससे 8.6 बेस कर की लेंस आपने उठाई, आपने फिटिंग असेसमेंट कर ली, फिटिंग असेसमेंट में आपने क्या देख लिया कि भाई असेसमेंट जो है 6.8 मिलीमीटर बेस कर विद -3 डायोप्टर लेंस पावर ऑप्टिमम फिटिंग है, क्लियर? अब इस ऑप्टिमम फिटिंग के ऊपर आपने ओवर रिफ्रैक्शन कर लिया, अब ओवर रिफ्रैक्शन ने ये शो कर ली कि भाई इसके -3 तो पावर लेंस में है, लेकिन ओवर रिफ्रैक्शन जो है वो -7 उसके ऊपर आ गई. तो अब जो आप लेंस ऑर्डर करेंगे तो वो -7 पे आप बैक वर्टेक्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सपोज आपके पास वो -6.5 आ गया,
तो 6.5 वो ओवर 3 ऑलरेडी जो माइनस 3 उस लेंस की पावर है, तो आप -9.5 डेप्टर की पावर ऑर्डर करेंगे. 6.8 मिलीमीटर आपकी बेस कर हो गई, -9.5 डेप्टर आपकी पावर हो गई, और डायमीटर भी वो आपने कैलकुलेट किया कि भाई इसकी जो है सपोज 8.2 मिलीमीटर डाया है. अब यहां पे अगर आप देख लें तो आपने जो लेंस की मूवमेंट चेक की थी वो -3 डेप्टर के पावर के साथ चेक की थी, तो -3 डेप्टर की पावर वाली लेंस की पेरिफ्री जो है वो थिन होगी, लेकिन अभी जो आपने लेंस ऑर्डर किया वो -9.5 डेप्टर की है, तो उसकी जो एज है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, इसलिए कि माइनस लेंसेज में पेरिफ्री थिक हो जाती है. तो आप इस लेंस की मूवमेंट जब आपने ऑर्डर किया और वो पहुंच जाए तो उस लेंस की मूवमेंट ऑप्टिमम नहीं होगी, इसलिए कि आपने वो -3 डेप्टर लेंस पे वो ट्राई की थी उसकी मूवमेंट और उसकी सेंट्रेशन. तो आपने जब -3 डेप्टर लेंस पे उसकी मूवमेंट सेंट्रेशन सब कुछ चेक की, लेकिन आपने जब उसके ऊपर ओवर रिफ्रैक्शन कर ली और वो -7 डेप्टर आ रही है, तो आप ये फैटन आपकी सही नहीं है, तो आप वो लेंस लगाए जिसकी पावर -6 है, इसलिए कि इसकी जो पावर -6 वाली की आप मूवमेंट चेक करें तो वो जो -9.5 आप ऑर्डर करेंगे इसकी मूवमेंट उसके साथ ज्यादा जो है वो कंपेटेबल होगी एज कंपेयर टू -9.5 जो आपने पेशेंट के लिए लेंस ऑर्डर की और जो -3 केक में पड़ा था उस पे आपने मूवमेंट असेसमेंट की थी सेंट्रेशन और मूवमेंट. तो ये -3 और -9.5 के दरमियान डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए आप जो दूसरा किट है जिसमें -6 डेप्टर की पावर है उसी किट पे जो है आप लेंस की असेसमेंट करेंगे. ये -3 वाले की जो आपने की है आपको समझ आ गई कि भाई इसके ऊपर ओवर रिफ्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए जो मेरा ऑर्डर लेंस होगा उसकी प्रोफाइल और थिकनेस प्रोफाइल और इस जो ट्रायल लेंस की थिकनेस प्रोफाइल है इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए मेरी जो फिटिंग होगी वो फिर ऑप्टिमम नहीं होगी जब ऑर्डर लेंस जो है वो आ जाए. क्लियर हो गई बात? यस सर. क्या रिपीट करूं? अब अगर फर्ज के दूसरे कंडीशन लेते हैं कि आपने -6 डेप्टर वाला ट्रायल लेंस को ट्राई किया, समझ आ गई? -6 वाले ट्रायल लेंस आपने सेंट्रेशन, एज, पेरिफेरी सब कुछ आपने कंफर्म किया कि ऑप्टिमम है, बिल्कुल -6 डेप्टर पावर वाली जो ट्रायल लेंस है, ट्रायल लेंस की मैं बात कर रहा हूं. फिर आपने जब उसके ऊपर रिफ्रैक्शन कर लिए तो वो +4 डेप्टर इसके ऊपर आ गई. +4 डेप्टर जब आपने लगा लिया तो उसकी विजुअल एक्विटी नॉर्मल होगी, 6-6 पे आ गई सपोज. तो अब जो आप ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर के लिए आप लेंस की पावर आपके पास क्या होगी? -6 इसके है तो वो -2 आ जाएगी. -2 तो अब -2 जो ऑर्डर लेंस है उस -2 की जो थिकनेस प्रोफाइल है वो जो -3 वाला कॉन्टैक्ट लेंस किट है इसके साथ ज्यादा कंपेटेबल होगी एज कंपेयर टू -6. तो इसलिए अब आप वो लेंस जो किट वाला है वो आप चेंज करेंगे. आप कहेंगे भाई उसकी जो ऑर्डर लेंस है उसकी प्रोफाइल में चेंज आएगी, तो इसलिए वो -6 वाले को आप छोड़े और फिर आप -3 वाले लेंस दोबारा आप उसके असेसमेंट करें. तो ये -3 डेप्टर वाला लेंस के ऊपर जो आप असेसमेंट करें तो उसके ऊपर आपको -1 डेप्टर की पावर की जरूरत पड़ेगी. तो फिर जो -2 डेप्टर आप ऑर्डर करेंगे और ये जो -3 डेप्टर आप ऑर्डर करेंगे तो इन दोनों की जो थिकनेस प्रोफाइल है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. तो इसका ये मतलब है. अब जो वो है रोज़ के में ये सिस्टम नहीं है. उसमें क्या है? उसमें ये है कि जितनी ही बेस कर्व स्टीप होती जाती है इतनी ही साथ साथ उस लेंस की पावर भी इंक्रीज होती जाती है. तो वो आपको इस तरह एक ही पावर का किट नहीं है. मतलब क्या? अगर 5.5
5.4 बेस कर्व है, टाइट है, तो -5.4 बेस कर्व का मतलब क्या है कि जिस पेशेंट को इतना स्टीप कार्निया है उसके ऊपर पावर भी बहुत ज्यादा माइनस होगी। तो -5.4 बेस कर्व के साथ जो है सपोज -16 डाप्टर उसी लेंस की पावर होगी, उस ट्रायल लेंस की। फिर जब माइनस ये 5.4 बेस कर्व की जगह आप फर्स्ट कर जाए 5.6 बेस कर्व पे फ्लैट हो गया तो उधर पावर भी कम हो जाएगी, सपोज -14 -13 पे आ गए। समझ आ रही है? तो जितनी उसमें आप बेस कर्व को स्टीप करते जाएंगे उसी तरह उस ट्रायल लेंस पे जो अपनी पावर होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी आप बेस कर्व को फ्लैट करते जाएंगे तो उसी तरह जो ट्रायल लेंस की अपनी पावर है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। तो उसमें इस तरह के कांस्टेंट पावर नहीं है, जबकि जो बोस्टन किट है जो कि उधर पड़ा है कॉन्टैक्ट लेंस की क्लिनिक में, तो उसमें ये फिक्स पावर है कि पूरे किट की या -3 एक किट की आपको पास -3 डेप्टर की पावर मिलेगी तो दूसरे किट में पूरे सारे के सारे लेंस की पावर जो है वो -6 होगी, जबकि ओनली बेस कर्व चेंज होती जाएगी। जबकि रूस के फैमिली में बेस कर्व और पावर दोनों इकट्ठे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बेस कर्व स्टीप हो जाती है तो पावर इंक्रीज हो जाती है, अगर बेस कर्व फ्लैट होती जाती है तो पावर डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह प्लस में भी है कि अगर जो दूसरा है फार्लो एंड हाई प्लस, अगर फर्स्ट करें +2 डायप्टर वाला लेंस आपने जो है ट्रायल सेट से उठा लिया और उसके ऊपर +10 आ गया तो इट मीन जो आप ऑर्डर करेंगे वो उसकी प्रोफाइल और इस ट्रायल लेंस की प्रोफाइल एक जैसी नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि +2 डायप्टर वाला लेंस जो किट है उसको आप छोड़ेंगे और +5 डायप्टर वाला जो किट है उसी पे जो है आप वो करेंगे असेसमेंट दोबारा करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके गो अहेड शाफी जी। जी सर, और अगर कार्निया हमारे पास फ्लैट हो और पावर ज्यादा हो चाहिए हो तो फिर हम मॉडिफाई करते हैं रोज के में मॉडिफिकेशन ऑर्डर पे करते हैं लेंस? ये तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट उसमें दी होते हो तो हर एक में आप मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब ओवर रिफ्लेक्शन आप उसके ऊपर करेंगे लेकिन जो मॉडिफिकेशन होगी ना वो कम होगी, उसमें इतना ज्यादा स्टेप नहीं होगा। मतलब ये है, दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छा कि आपने की ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर फर्ज करें रोज के है ठीक है और आपने जो है सपोज 5.8 बेस कर्व वाली लगाई तो 5.8 बेस कर्व में जो उसकी सपोज अपनी पावर है वो -14 डाप्टर है, जब आपने उसके ऊपर रिफ्लेक्शन की तो वो मॉडिफिकेशन बहुत कम आएगी, मतलब या उसके ऊपर +1 या 2 आएगी या -1 या 2 आएगी। तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन है ना ओवर रिफ्लेक्शन आपने कर ली तो लेंस में आप वही ऑर्डर करेंगे लेकिन जो ओवर रिफ्लेक्शन है जो आपकी किट की लेंस की पावर है और आप जो ऑर्डर करेंगे लेंस उसकी पावर, इन दोनों में डिफरेंस इतना कम होगा कि लेंस की जो बाकी थिकनेस प्रोफाइल है उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो मॉडिफिकेशन डेफिनेटली आप करेंगे लेकिन वो मॉडिफिकेशन बहुत कम होगी, तो इसलिए लेंस के प्रोफाइल पे थिकनेस प्रोफाइल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका ऑर्डर लेंस है फॉर द पेशेंट और जो आपके किट का लेंस है जिसके साथ आपने असेसमेंट की है, इन दोनों के प्रोफाइल में डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो इसलिए पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। सर फिर अगर हम लेंस फिट करें तो बेस कर्व को देख के करें अगर क्या, मतलब ये कि बेस कर्व के बेस पे फिर फिटिंग करनी चाहिए सर जिस तरह उसके नहीं फिर नहीं बेस कर्व के बजाय आप मेन जो स्टेप्स है जो मैं आपको बता मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप इज बेस कर्व, इसके बगैर तो आप कर नहीं सकते हैं ना। केरेटोमेट्री जब आप लेते हैं आरजीपी के लिए या काइनेटोपोग्राफी लेते हैं तो इनिशियल लेंस जो आप स्टार्ट लेंगे तो बेस कर्व ही से स्टार्ट लेंगे, तो बेस कर्व के बगैर तो आप कर नहीं सकते। वो तो इवन सॉफ्ट लेंस में जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि मेरे पास वो जो दो एग्जांपल मैंने आपको दे दी जब केरेटोमेट्री मैंने की तो उसकी इतनी फ्लैट कार नहीं आती, तो बेस कर्व मैंने वो के फ्लैट कर दी उसके लिए जो मैंने आपको बताया कल कि -9
9.0 जो है डेप्थ वो बेस कर मुझे चाहिए थे, और 9.0 मिलीमीटर तो 9.0 मिलीमीटर बेस कर वो मिलती नहीं है भाई, अदर मुझे बनवाने पड़ते। तो बेस कर तो मेन चीज ही बेस कर ही पे आप जाएंगे सब कुछ। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, गो अहेड शाफिया। ओके सर, diameters for each PVP in the trial set, it is valuable to have two diameters with which to fit the patient. A smaller diameter of 9.2 mm and a larger diameter of 9.6 mm should be sufficient to fit the majority of patients. BOZR, a range of BOZR is required from 7 to approximately 8.4 mm in 0.1 mm steps and 0.05 mm steps between the radii of 7.6 to 8 mm. Is it clear? A trial... Ghazanfar Asad, is it clear? सर BOZR का बता दे। जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, ये तो ऑलरेडी उसके वो एक्सप्लेन किया कि अगर फर्ज करें कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 7.0 टू 8.4, ये जो मैंने आपको वो क्या कि जो हम बेस कर वो करते हैं ना। अच्छा सर, ये वही बेस तो उसी इस, हाँ। इसी बेस पे, हाँ, वो इसलिए ये इसमें कंफ्यूजन है परसों, इसलिए मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप उसको वो कंफ्यूज न हो रहे ना। तो इसमें ये है कि अगर वो 7.0 से 8.4 मिलीमीटर तक है तो उसमें ये केट की बात कर रहे हैं तो उसमें 0.1 मिलीमीटर के स्टेप से है एंड 0.05 मिलीमीटर स्टेप से है अगर 7.6 से 8.0 तक वो है इसमें, तो ये उनका जो किट है उसमें ये चीजें अवेलेबल है। लेकिन ये इस तरह नहीं है बेसिकली, ये हर एक किट में मुख्तलिफ हैं। ये जो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन है ये बहुत पुराने जमाने की है, ये चीजें जो प्रेजेंटेशन में है ना। जी सर, अब जो लेटेस्ट है अब तो हर एक कंपनी के अलग अलग किट्स है और मुख्तलिफ, और एक ही कंपनी की भी आपको जो है मतलब जैसे इसने टोटल डायम बताया ना कि 9.2 से लेकर 9.6 मिलीमीटर तक है डाया, समझ आ रही मेरी बात? ये डायमीटर में आप देखें तो अब ये चीज नहीं है, ये तो अब 8 से जो है ना 14 तक है, बल्कि 8 से भी कम अवेलेबल है। 7 से लेकर जो है डाया आपको 14.6 तक अवेलेबल है, जो सीमिस क्लियर है उसमें तो 14.6 हम देते हैं। तो ये चीजें अब चेंज है, तो इस पे आप वो न करेंगे बिलीव, मतलब पढ़े ये पुरानी चीजें हैं लेकिन अभी जो है अब ये सारा सिस्टम चेंज है। वो आपको मैं वो रोज के मैं हर एक की वो उसकी एक डिटेल बताऊंगा कि उसको मैंने कंबाइन किया है कि आईसी की जो है बेस कर की रेंज किया है, किट में कितना है और हम कितने तक बनवा सकते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से उसमें एडिशनल सब्सट्रैक्शन भी करते हैं कि आईसी का डाइव किया है, जो निपल कोन है उसका डाया किया है, और जो केसी है उसका डाया किया है, जो सीमिस क्लियर है उसका डाया किया है, तो वो पूरा रेंज है। एक रेंज किट का होता है, एक रेंज जो है वो विद मॉडिफिकेशन के आप उसमें डाय को अगर किट में कम है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, अगर किट में जितना है आप उसी डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे वो सारे डिटेल में वो एक्सप्लेन करूंगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये आप न बताएं कि 9.2 से 9.6 मिलीमीटर तक है, अब ये गलत है, ये चीज बहुत ज्यादा वो है, रेंज है अब इसमें। इसी तरह जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस रिक्वायरमेंट उसने 7 देखिए अब 5 से अवेलेबल है। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, गो अहेड। Now trial and selection, it is based on corneal topography, corneal size, prescription, pupil size, lid position and lid toners. Trial and selection on the basis of first corneal topography,
Careful measurement of corneal shape will enable the selection of BOZR of the trial lens. The BOZR that is typically chosen is related to the flattest corneal radius of curvature. जो flattest K reading हमारे पास आएगी उसके मुताबिक हम choose करेंगे and is generally in the range of plus minus 0.1 mm of that value. The evaluation of the fitting characteristics determines the final BOZR to be ordered for the patient. The corneal topography also plays a role in the choice of BOZD for the lens. A smaller BOZD is used for steeper corneas and a larger BOZD is used for flatter corneas. Now corneal size. Corneal size controls lens total diameter. Assessed clinically by measuring the HVID, when the corneal diameter is small, both the BOZD and the lens total diameter may need to be decreased. An RGP lens whose diameter is some 2 mm smaller than the HVID is chosen for the initial trial. Next, prescription. The lens power required for optimal vision correction can play a role in the selection of the lens total diameter. Typically, plus power lenses should be up to 0.5 mm larger than average to help maintain good centration. And lenses with a high back vertex power greater than plus minus 8 diopter are made larger than average to allow for adequate lenticulation of the front peripheral design. Pupil size controls BOZD. The pupil diameter in dim illumination should be measured. The BOZD will need to be larger than that value by about 1 mm. Lid position, the palpebral aperture size may influence the lens total diameter selection. If the palpebral aperture is significantly smaller than average, the lens total diameter should also be reduced. Lid tonus, if the lids are loose and flaccid, then typically a larger than average lens total diameter is required to provide optimum performance. अब ट्रायल लेंस सिलेक्शन हो गई, अब फिटिंग हम कैसे करेंगे? The trial fitting lens will be a guide to the lens design which is considered optimal for the patient's eye. Correct management of the patient prior to the first lens application to the cornea. The initial feeling of foreign body sensation is experienced by all patients. The practitioner must explain the reason for the discomfort, the need for lens adaptation and the likely time course for that adaptation to take place. If the practitioner is confident in their lens handling and application, the patient is likely to be more receptive of their advice. Apply the lens with a moderately viscous sweating solution and then get the patient to look in a downward direction with their eyes closed. Maintain eye closure for about 5 to 10 seconds, which allows the wetting solution and the tear film to mix. This minimizes the risk of lens mislocation due to excessive blinking following lens application. After opening the eyes, lens adaptation is promoted if the patient maintains downward gaze in a dimly illuminated room and blinks as gently as possible. Have the patient refrain from looking in a primary gaze or superior direction during the first few minutes of lens wear. This minimizes reflex tearing following lens application and allows an accurate assessment of the fluorescein pattern and dynamic lens fitting characteristics. अब फिटिंग हो गई, अब फिटिंग की असेसमेंट कैसे होगी? An adequate amount of time must be given to allow the lens to settle as much as possible on the eye prior to any lens assessment. Any excessive tearing results in an inaccurate static or dynamic appearance. This is because the fluorescein may be washed away too quickly, resulting in a misleading dark pattern. The dynamic fitting will be more unstable with a tendency toward an excessive amount of lens movement. इसलिए हमने पहले पेशेंट को टाइम देना है कि वो उसको अडॉप्ट कर ले, उसकी टेयरिंग रिड्यूस हो जाएगी, फिर हमने उसकी असेसमेंट करनी है. डायनेमिक फिटिंग में हम क्या देखेंगे? पोजीशन लेंस की और मूवमेंट. और स्टैटिक फिटिंग में हम लेंस टू कॉर्निया रिलेशनशिप देखेंगे और साथ हम विजन असेसमेंट करेंगे. सबसे हम विजन असेसमेंट के दौरान हम लेंस फ्रंट सरफेस वेटिंग भी चेक करेंगे. अगर वो पुअरली वेट होगा तो उस वजह से सरफेस में इरेगुलरिटी आएगी, उसकी विजन अफेक्ट होगी.
साथ में ओवर रिफ्रैक्शन करेंगे कि स्फेरिकल है या अगर स्फेरिकल नंबर आ रहा है ज़्यादा या सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंड्रिकल आएगा तो हम टॉरिक आरजीपी का ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। अब है डायनामिक असेसमेंट। डायनामिक असेसमेंट का मेथड क्या है कि सबसे पहले जब पेशेंट अडॉप्ट हो जाए, ठीक है, उसकी टेयरिंग मिनिमम हो जाए, देन पेशेंट हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्ट्रेट अहेड देखे, देन यूज बर्टन लैम्प एंड और बायोमाइक्रोस्कोप विद अ वाइट लाइट, अल्टर पेशेंट्स डायरेक्शन ऑफ गेज एज रिक्वायर्ड। ऑब्जर्व हम उसमें क्या करेंगे, डिसेंट्रेशन ऑफ लेंस, स्टेबिलिटी, मूवमेंट आफ्टर ब्लिंकिंग। डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन जो है हम लेंस की रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया देखेंगे। शाफिया स्लाइड तो मेथड वाली है अभी, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वाली सही है। अब आइए, अब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वाली स्लाइड है, आप कौन सी पढ़ रही हैं? डिसेंट्रेशन, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट आफ्टर ब्लिंकिंग में जो डिटेल है वो वाली स्लाइड है। नहीं, हाँ अब आगे। अब आगे जी अभी आ गई है सही, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और डिसेंट्रेशन वाली स्लाइड्स। ठीक है, डिसेंट्रेशन हम लेंस की डिसेंट्रेशन देखेंगे रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, मेजर्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन मिलीमीटर्स। हाई राइडिंग अगर लेंस ऊपर की तरफ डिसेंटर्ड होगा और लो राइडिंग अगर डाउनवर्ड होगा। स्टेबिलिटी, अ लेंस दैट हैज कंसिस्टेंट एक्सेप्टेबल मोमेंट एंड पोजिशन ऑफ रेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू परफॉर्म सक्सेसफुली। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंट और एक्सेप्टेबल मोमेंट और पोजिशन ऑफ रेस्ट हो तो वो लेंस स्टेबल होगा। In the early stages of lens adaptation, stability may be compromised due to excessive tearing. So judge the stability only after an adequate degree of adaptation has been achieved. Now movement after blinking. The lens movement is initiated by the action of the lids when blinking. The listed components should be assessed. Movement ki amount, type, speed or direction ko hum assess karenge. अब लेंस मूवमेंट, लेंस मूवमेंट जो सबसे पहले हम अमाउंट देखेंगे। अब लेंस मूवमेंट के थ्री फेसेस हैं, एक है विद द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लिड, विद द अपवर्ड मोशन ऑफ द लिड एंड रीसेंट्रिंग मूवमेंट फॉलोइंग द ब्लिंक। जो फर्स्ट टू मूवमेंट्स हैं विद द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लिड एंड विद द अपवर्ड मोशन ऑफ द लिड, ये फास्ट मूवमेंट होते हैं इसलिए हम इनको नोट नहीं कर सकते। ओके, मैंने तो कर लिया। कि जब आप स्लाइड चेंज कर तो थोड़ा सा पॉज लिया करें कि वहां पे वो चेंज हो जाए, वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपके पास तो चेंज हो जाते हैं लेकिन नेट पे वो थोड़ा सा लेट चेंज हो जाता है। सर मैं बाकी कल कर लूं? बाकी स्क्रीन क्या कहते हैं? ठीक है सर, बहुत इश्यू है, कल इंशाल्लाह। तो चलो ठीक है, ठीक है सर। अभी तक कोई क्वेश्चन है सर? ये हाई राइडिंग और लो राइडिंग ये बताओ तो। हाई राइडिंग और लो राइडिंग इसमें एक ही फर्क, जब आप ब्लिंक करें ना, ठीक है, तो लेंस ब्लिंक के बाद ऊपर जाती है तो कितनी जाती है, अगर ये ऊपर जाती है तो ये हाई राइडिंग उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर ब्लिंक के बाद लेंस जो है वो ज्यादा नीचे स्क्लेरा पे आ जाते हैं तो उसको हम लो राइडिंग कहते हैं। ठीक है सर। सर नॉर्मली किस तरह आती है? सेंट्रल पे हो ना, कि न ज्यादा ऊपर जाए न ज्यादा नीचे जाए ना। ब्लिंक के साथ उसकी जो मोमेंट हो वो वन एवरेज ऑन एवरेज वन प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए, के 0.5 से 1.5 मिलीमीटर तक ये मोमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऑप्टिमम जो है कि वो 1 मिलीमीटर तक मोमेंट हो। तो अब अगर वो 1 मिलीमीटर डाउन मोमेंट आती है तो जब वो
अंकुरित तो फिर 1 मिलीमीटर अप भी हो सकती है ना, तो जो ऑप्टिमम है वो 1 मिलीमीटर तक मूवमेंट होनी चाहिए उसकी, लेकिन 0.5 मिलीमीटर भी एक्सेप्टेबल है, 1.5 तक एक्सेप्टेबल है। फिर वो डिपेंड करती है कि पेशेंट कंफर्ट है, अगर 1.5 मिलीमीटर है लेकिन पेशेंट कंफर्ट नहीं है तो फिर आप उसको डिक्रीज करेंगे, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर है और पेशेंट कंफर्ट नहीं है और 0.5 मिलीमीटर मूवमेंट से पेशेंट की कंफर्ट और भी खराब हो जाती है तो बेशक 1.2 मिलीमीटर तक भी आप कर सकते हैं। कैसे मूवमेंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इसके लिए जो वो पैरामीटर्स हैं वो ये कि आप तो लेंस डायर को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मूवमेंट फर्ज करें कम है, लेंस डायमीटर को आप डिक्रीज करें तो मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर फर्ज करें मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो लेंस डायमीटर को अगर आप इंक्रीज करें तो मूवमेंट कम हो जाएगी। इसी तरह कर्वेचर है कि अगर फर्ज करें मूवमेंट कम है, इट मीन्स के लेंस टाइट है, तो आप कर्वेचर को जो है वो जरा फ्लैट करेंगे तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर फर्ज करें मूवमेंट ज्यादा है तो आप कर्वेचर को अगर स्टीप करें तो मूवमेंट कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये एक चीजों से आप उसकी जो है मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, और जो ऑप्टिमम मूवमेंट है वो आप उस पर डिसाइड करें कि भाई हो सकता है कि एक पेशेंट के लिए 0.5 मिलीमीटर जो है वो मूवमेंट आपके लिए सूट करते हो, और हो सकता है कि दूसरे के लिए 0.5 सूट नहीं करता हो, 1 मिलीमीटर तक सूट करता हो। लेकिन बिटवीन 0.5 और 1 मिलीमीटर में मैक्सिमम जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं। ओके सर, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलो ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वो करेंगे। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम।